जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप व ग्रामीण एडिशनल एसपी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा टू व्हीलर्स की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप व ग्रामीण एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी ने आज सभी अजमेर शहर वासियों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया से बातचीत में अजमेर एसपी ने शहर वासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही एक अपील भी की है कि राज्य सरकार की ओर से कोविड और प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर पाबंदी लगाई गई है, जहां उन्होंने इसको लेकर अपील भी की कि कोई भी गलत तरीके से पटाखे खरीद कर आतिशबाजी ना करे, वरना पुलिस की ओर से उनके खिलाफ चालान काट कर कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी ने भी शहरवासियों व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने कहा कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने शहरवासियों से कहा कि गाइडलाइन की पालना के साथ ही सभी त्योहार मनाएं। अजमेर के सभी हमारे निवासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी से कि जिस प्रकार से आपकी जानकारी में है कि इस बार कहीं पर भी पटाखे नहीं फोड़े जाने हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सोच विचार करके सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि दिवाली के अवसर पर अचानक प्रदूषण के स्तर बढ़ जाते हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया कहीं पर भी किसी भी इलीगल तरीके से पटाखों का जुगाड़ करके उन्हें फोड़ने की गलती नहीं करें। 10,000 रुपये का जुर्माना है जो कि आपसे वसूला जा सकता है यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं। हंसी खुशी हर्षोल्लास के साथ में दिवाली को मनाएं। प्रकाश का पर्व है, प्रकाश करें, दिए जलाएं, लाइट लगाएं, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ें। अपने सभी साथियों के साथ में अच्छे से मनाएं, सभी को शुभकामनाएं दें। मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्यौहार, ये पर्व और ये वर्ष बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, दीपावली सर क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली के इस अच्छे शुभ अवसर के ऊपर सबसे पहले तो हम अजमेर वासियों को, आपको सभी को राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। ये 4 दिन का जो शुभ त्यौहार है, हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, हम सहयोग भी करते हैं कि निश्चित रूप से उमंग और हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ में, हंसी खुशी के साथ मनाएं। और हमारा तो इतना ही आपसे निवेदन है कि जो आज कोविड की जो स्थिति जो अपने देश में चल रही है, शहर में चल रही है, इलाके में चल रही है, उसमें निश्चित रूप से उसकी दी हुई गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए विशेष रूप से अजमेर ग्रामीण के जो 3-4 बड़े कस्बे हैं, अजमेर है, पुष्कर है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, उसके अंदर हमने अलग से एक पुलिस व्यवस्थाएँ स्थापित की है। 4 दिन तक वो व्यवस्थाएँ, ड्यूटियाँ लगाई गई, वो उस व्यवस्था के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। विशेष करके ट्रैफिक का जो है, इन 3-4 कस्बों के अंदर अलग से व्यवस्था की गई है। और पुनः मैं आप सभी को दिवाली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बधाई एवं शुभकामनाएँ राजस्थान पुलिस अजमेर की तरफ से प्रेषित करता हूँ।